अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने चैनल पर आपसे एक बहुत ही यूज़फुल और टाइम सेविंग टिप शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने दही लिया है जो कि आम दही है। अब मैं इसमें एक टेबल स्पून चीनी शामिल करूँगी। चीनी इसलिए शामिल किया है ताकि दही का जो खट्टापन है वो थोड़ा कम हो जाए और दही को जो है हम ज़्यादा अरसे के लिए सेव कर सकते हैं। अब चीनी शामिल करने के बाद आपने दही को अच्छी तरह से फेंट लेना है। अब हम एक आइस क्यूब ट्रे लेंगे और ये फेंटा हुआ दही इसमें डाल देंगे। आपने इस ट्रे को फुल कर देना है। अब इसको आपने फ्रीज़र में 5 से 6 घंटे तक के लिए फ्रीज कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे योगर्ट क्यूब्स बनके तैयार हो गई हैं। अब आप इन क्यूब्स को फ्रीज कर सकते हैं ज़्यादा अरसे के लिए और जब आपको ज़रूरत हो तो हांडी में आप एक क्यूब डाल दें। एक क्यूब में 2 to 3 टेबलस्पून दही जो है होता है। आप ये क्यूब्स जो हैं चटनी बनाने के लिए, लस्सी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी टाइम की बचत होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दुआओं में याद रखिए और कमेंट करना मत भूलिए।